1952 में कायम होने वाली ये जगह, जिसका नाम पहले ड्रिक कॉलोनी था और जिसका नाम रखा गया किंग फैसल पे, वो बिस्मिल्ला की बिरयानी, वो रेशम गली की रौनक और वो लोगों में आपस में चिलंग वाई। मालिक, वेलकम टू शाह फैसल कॉलोनी। क्या हुआ? करेक्शन, वेलकम टू द शाह फैसल कॉलोनी। भाई गर्मी इतनी हो रही है ना कि नाश्ते के बगैर काम ही नहीं होगा, धूप में आंखें ही नहीं खुली यार। तो हम पहले नाश्ता करेंगे। हमसे मुराद मेरे साथ हैं अभी अलीशा विंसेंट और मेरी पैदाइश जो है वो डिग रोड कैंट बाजार की है और शाह फैसल से मेरा दिली तालुक है। जिस जगह पे हमें नाश्ता करना था ना यार, वो दे रहे हैं सिर्फ पार्सल पे, तो ऐसे तो मजा नहीं आएगा यार। तो ऐसे मौाकों पे ना एक ही जगह काम आती है, वो है पठान का ढाबा। और जिस जगह पे हम नाश्ता करने हैं उस जगह का नाम है मदीना। लाला दो अंडा पराठा मलाई दस्ती ले आओ यार। मलाई जो है ना वो हमने पहली दफ़ा ट्राई की थी सफ़र है कराची के कहीं बीच में, उसके बाद से जो है ना ये मलाई के गेम्स हमारे दिल से ही नहीं उतर रहे हैं। हर इलाके में ना ऐसी जगहें ज़रूर होती हैं जिसका नाम खास शपाटा लौंडे रखते हैं, तो इस महान काम में शाह फैसल के शपाटा लौंडे कैसे पीछे रह सकते हैं। जैसे इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है चिंगारी रोड। और चिंगारी रोड इस रोड को इसलिए कहा जाता है कि हमारे बॉयज कुछ टाइम पहले इस रोड पे विली मार के चिंगारी निकाला करते थे। ये शपाटर नामों की कहानी चिंगारी रोड पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि इस रोड का नाम है कंपनी रोड। लेकिन ये अब तक राज ये है कि कंपनी रोड के नाम की क्या कहानी है। ये जो आप मेरे पीछे टनल देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं पुलिया। इसके नाम की तरह इसकी वाइब भी बड़ी क्रेजी है भाई। शाह फैसल की मार्केट की बात करें ना, तो यहाँ पे पड़ती है एक शमा मार्केट। अब जब नाम ही शमा है तो ख्वातीन की फेवरेट मार्केट होना तो बनता है ना उसका। यार अगर ख्वातीन की फेवरेट मार्केट है ना ये, तो उसकी कोई वजह भी होगी, और इसकी वजह है शमा शॉपिंग सेंटर का एक नाम है। यहाँ लोग सिर्फ शाह फैसल के नहीं आते, यहाँ दूर दूर से लोग भी आते हैं। क्यों? प्राइस और क्वालिटी की वजह से। यहाँ आपको सब मिलेगा, हर प्राइस रेंज में सूट मिल जाएगा, जो भी चीज़ चाहिए बहुत ही मुनासिब कीमत में मिलेगी आपको। अगर किसी जगह पे शपाटा लौंडे मौजूद हैं और वहाँ पे बाइक की मार्केट ना हो, तो उस जगह की गेंद ही सही तरह नहीं बैठेंगे यार। और ये है शाह फैसल की शपाटर बाइक मार्केट। पंक्चर से लेके गाड़ी की मेंटेनेंस तक सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है ना प्रिपेयर करते हैं कि इसी साइड पे आके, ये पट्टी पे आके अपना काम करवाएं बाइक पे। शाह फैसल कॉलोनी की इस पट्टी में पड़ती है एक अदर शू मार्केट, और कोई ऐसी वैसी शू मार्केट नहीं है भाई। कैट, एडिडास, नाइकी सब मिलेगा आपको इधर। अरे मालिक, शाह फैसल कॉलोनी नहीं, शाह फैसल कॉलोनी। प्यारे भाई, आप हमें ये बताएं इन दोनों में से कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको? ये वाले। डन करो यार, प्यार मोहब्बत करके। यार शदीद गर्मी में ना मार्केट घूम के अब शदीद भूख सी लग रही है, और भूख मिटाने का ना एक ही ऑप्शन है, वो है बिरयानी। और शाह फैसल पे खड़े होके बिरयानी का भी एक ही ऑप्शन है।
हर इलाके में ना एक बिरयानी वाला जरूर मशहूर होता है और वो बिरयानी वाला उस इलाके की पहचान को नुमाया करता है। और ये है बिस्मिल्लाह शाह फैसल की पहचान। इसका टेस्ट कहीं नहीं मिलता, इसी की कॉफियाँ लोगों ने बनाई है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो फार्मूला हमारे पास है। अल्लाह का शुक्र है खालिस मसाला जात से तैयार की जाती है और वेरी हाई फाई क्वालिटी के साथ, तो इसलिए आप लोग इधर आते हैं। यहाँ पे पहले बच्चे आते थे, आज वो जवान हो गए, आज अपने बच्चों के साथ आके खा रहे हैं माशाल्लाह। भाई मैं पर्सनली जो है ना बड़ा एक्साइटेड हूँ ये बिरयानी ट्राई करने के लिए। मैंने बड़ा नाम सुना है, एक तो हमारे ऋषभ भाई ने भी बड़ा जिक्र किया है इसको और मैंने वैसे ही बड़ा नाम सुना है। तो बिरयानी के बाद जो है ना हमारे अलीशा भाई बोल रहे हैं कि वो हमें किसी नई चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या चीज़ है भाई वो? सत्तू। ये क्या होता है? ये कहीं पता चलेगा यार। तो भाई फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ सत्तू का शरबत शाह फैसल पे खड़े हो गया। सत्तू के शरबत में ना जौ होता है और गुड़ का शक्कर होता है, जिसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं पानी में, उसके बाद बर्फ में इसे ठंडा करके आपको पेश करते हैं। शाह फैसल घूमते घूमते ना हमें आज एक नई चीज पता चली कि यहाँ पे कराची की सबसे पुरानी मार्केट है और उसे कहते हैं कॉलोनी मार्केट। अरे मुजफ्फर भाई कॉलोनी मार्केट यार, कॉलोनी मार्केट। ये मार्केट तकरीबन से 1960 से लेके या इससे भी पहले, यानी कि जो मेरा होश है उससे लेके जो है ये उससे पहले की मार्केट है यार। यहाँ 40-45 साल हो गए इस मार्केट को, बहुत पुरानी मार्केट है माशाल्लाह से। ये 40 साल पुरानी दुकान है ये, और बचपन से आ रहा हूँ मैं इस गली में, और टिकिया का टेस्ट अभी भी वैसा का वैसा ही है। और ये जो कॉलोनी मार्केट की रौनक और ये चहल पहल और ये जो वाइब है ना, ये देख के ऐसे लग रहा है कि वाकई बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पर तकरीबन सुई से लेके सुनार तक सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ देसी घी से लेके और डुंडा तक सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। दो कदम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ड्रेस मिलेंगे बच्चों के, बेबी बाबा। उससे आगे आप दो कदम जाएंगे तो फिर आपको बर्तन वगैरह मिलेंगे, जैसे सामने फ्रंट पे है। यार यहाँ पर चप्पलें भी बिकती हैं, यहाँ पर जुड़ी वगैरह भी बिकती है, कपड़े भी बिकते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें बिकती हैं माशाल्लाह से यहाँ। हर आइटम 30 में है आपको, चेने वगैरह चूड़ियाँ क्लिप्स हर चीज़ 30 में। भाई ये कॉलोनी मार्केट के एक स्टॉल से हमने जो एक अदद अंगूठी लिया ये हमें सिर्फ 30 रुपए की पड़ी है माशाल्लाह। कॉलोनी मार्केट के बारे में ना तीन चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, पहली के सबसे पुरानी मार्केट है, दूसरी यहाँ सब मिलता है, और तीसरी यहाँ की मशहूर रेशम गली। यार ये पूरे दिन की थकन के बाद जो है ना हमारे अलीशा भाई ने बोला कि रात के खापे का सीन जो है ना वो सिर्फ होगा यामीन पे, और वो किससे होगा? चिकन क्रिस्पी रोल के साथ होगा यार। भाई यामीन आते ही ना हम बड़े खुश थे कि भाई रात का खापा छापा करेंगे, पूरी थकन उतरेगी, लेकिन जैसे ही यामीन पहुंचे ना एक अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। हमारा जो ट्राइपॉड स्टैंड है ना वो जख्मी हो चुका है अभी। इसकी हालत जो है वो इस तरह इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो ट्राईपॉड है ना वो डंडी होती है वो टूट चुकी है, वो हमारी ये टूट चुका है डंडी से, तो थोड़े से दुख दर्द है हमारे आखिरी खाने में। यार
क्रिस्पी रोल हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम है। क्रिस्पी रोल जो जब से हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसका, और जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेल होता है और काफ़ी जो है ना पसंद करते हैं इसको कस्टमर। यार पूरे दिन के बाद जो है ना हमारा सफ़र पहुँचा अपने इख्तिताम पे। यहाँ की वाइब और यहाँ की ओल्ड स्कूल एनर्जी देख के ना अब मैं कह सकता हूँ कि शाह फैसल कॉलोनी की गेम जी कुछ अलग है। यार सुबह से शाम हो गई लेकिन इसके लिफ्टिंग के बॉय के मुंह से जो है वो शाह फैसल कॉलोनी का कॉलोनी नहीं हुआ। यार क्या कर रहे हो लड़के, शाह फैसल कॉलोनी के गेम्स यार, क्या शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी। पहला कॉलोनी इधर, दूसरा कॉलोनी में इधर।